नमस्कार, मैं प्रिया। आज है 1 जून। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। लॉकडाउन 4 नए नियमों के तहत हुआ लागू। सहायक अभियोजन पदाधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। बिहार में सभी एफिलिएटेड कॉलेज बनेंगे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। डीएमसीएच में 3 दिनों के अंदर 4 बच्चों की गई जान। कोवैक्सीन की 2.5 लाख डोज पहुंची पटना। अब चले बढ़ते हैं बिहार की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। DSSSB के विभिन्न पदों पर निकाली गई वैकेंसी। नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए अहम सूचना। दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड यानी कि DSSSB में नौकरी का सुनहरा अवसर निकाला गया है, जिसके तहत DSSSB ने TGT पद के लिए कुल मिलाकर 6258 पद, असिस्टेंट प्राइमरी शिक्षक के 554 पद, असिस्टेंट नर्सरी शिक्षक के 74 पद, LDC के 278 पद, हेड क्लर्क के लिए 12 पद, काउंसलर के लिए 50 पद, पटवारी के लिए 10 पद पर आवेदन मांगे गए हैं। इसके लिए DSSSB के बीते दिन से आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। इच्छुक और योग्य उम्मीदवार जो इन पदों के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वो आवेदन प्रक्रिया शुरू होने के बाद DSSSB की आधिकारिक वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पर जाकर अप्लाई अब कर सकते हैं। इन पदों के लिए आवेदन प्रक्रिया 25 मई से शुरू हो चुकी है और 24 जून 2021 को समाप्त होगी। बिहार में मिले कोविड-19 के 1000 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1113 मामलों की पुष्टि हुई है, जो इसके बाद बिहार में एक्टिव मरीजों की संख्या 16235 पर पहुंच गई है। इसके साथ ही अगर हम प्रभावित जिलों की बात करें तो अररिया में 29, अरवल में 6, औरंगाबाद में 11, बांका में 5, बेगूसराय में 55, भागलपुर में 31, भोजपुर में 5, बक्सर में 4, दरभंगा में 25, ईस्ट चंपारण में 22, गया में 17, गोपालगंज में 62, जमुई में 4, जहानाबाद में 17, कैमूर में 3, कटिहार में 55, खगड़िया में 17, किशनगंज में 23, लखीसराय में 13, मधेपुरा में 19, मधुबनी में 47, मुंगेर में 37, मुजफ्फरपुर में 56, नालंदा में 49, नवादा में 12, पटना में 164, पूर्णिया में 44, रोहतास में 8, सहरसा में 7, समस्तीपुर में 41, सारण में 33, शिवहर में 17, सीतामढ़ी में 16, सिवान में 14, सुपौल में 49, वैशाली में 24, वेस्ट चंपारण में 29 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही 13 ऐसे मामलों की पुष्टि हुई है जो दूसरे राज्यों के हैं, लेकिन इनके सैंपल बिहार के अलग अलग जिलों में कलेक्ट किए गए हैं। इसके साथ ही बिहार में बीते दिन के पिछले 24 घंटे में 3196 मरीज ठीक होकर घर वापस लौटे हैं। वहीं बीते दिन के पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 1,01,033 सैंपल की जांच की गई। लॉकडाउन 4 नए नियमों के तहत हुआ लागू। लॉकडाउन 4 में छूट के दायरे को बढ़ा दिया गया है। 8 जून तक आए लॉकडाउन के फैसले में अनलॉक की प्रक्रिया नजर आने वाली है, जिसमें सभी सरकारी कार्यालय 25% कर्मचारियों की उपस्थिति के साथ 4 बजे तक खोल दिए जाएंगे। गैर सरकारी कार्यालय भी बंद रहेंगे। इसके साथ ही सभी दुकानों को ऑल्टरनेट बेसिस पर खोला जाएगा। आवश्यक वस्तुओं की दुकान हर दिन सुबह 6 बजे से 2 बजे तक खुलेंगी। इसमें सब्जी दूध के साथ साथ किराना और कीटनाशक की दुकानें शामिल है। इसके साथ ही दुकानदारों को मास्क पहनना अनिवार्य कर दिया गया और दुकान में काम करने वाले कर्मचारी और आगंतुकों के लिए सैनिटाइजर रखना होगा। साथ ही सोशल डिस्टेंसिंग का भी पालन करना होगा। हालांकि सार्वजनिक कार्यक्रम के आयोजन पर अभी भी पाबंदी जारी है। विवाह और श्राद्ध के आयोजन पर पहले की तरह गाइडलाइन लागू रहेंगे। गाड़ियों के परिचालन को लेकर भी पहले की तरह लॉकडाउन की शर्तें लागू रहेंगी। इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही शिक्षण संस्थान पहले की तरह बंद रहेंगे। सभी तरह के धार्मिक, सामाजिक और राजनीतिक गतिविधियों पर रोक रहेगी। कारोबार के मामले में छूट की रियायत दी गई है। कोवैक्सीन के 2.5 लाख डोज पहुंची पटना। टीकाकरण की रफ्तार पर लगे ब्रेक के बीच बिहार में कोविड-19 की 2.5 लाख डोज वैक्सीन पहुंचा दी गई है, जिसके तहत हैदराबाद से कोवैक्सीन की डोज को राजधानी पटना पहुंचाया गया है। इंडिगो के विमान से बीते दिन 21 बॉक्स में कोवैक्सीन के 2,50,000 डोज पटना पहुंची है। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, बिहार में 18 से 44 साल के लोगों का टीकाकरण करवाया जा रहा है, लेकिन वैक्सीन की कमी के कारण कई केंद्रों पर टीकाकरण अभियान को रोक दिया गया था। लेकिन वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद अब फिर से वैक्सीनेशन के काम में रफ्तार देखने को मिलेगी। इसके साथ ही दूसरी डोज लेने वालों के लिए भी यह खबर राहत भरी है। बिहार में फंस गया शिक्षक बहाली का मामला। शिक्षक बहाली के मामले में एक बार फिर से रुकावट आ गई है। आलम यह है कि सरकार और ब्लाइंड फेडरेशन अब एक दूसरे के आमने सामने हैं, जिसके बाद उम्मीद की जा रही है कि अभ्यर्थियों को और भी इंतजार करना पड़ सकता है। आपको बता दें, हाईकोर्ट में बीते दिन हुई सुनवाई में कोर्ट किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंच पाए। उच्च न्यायालय ने कहा कि इस मामले पर अगली सुनवाई अब 3 जून को होगी। बीते दिन हुई सुनवाई को देखें तो ना तो बिहार सरकार और ना ही नेशनल फेडरेशन ऑफ ब्लाइंड पीछे हटने को तैयार है। ब्लाइंड फेडरेशन के वकील का कहना है कि जब दिव्यांगों के लिए सही तरीके से वैकेंसी ही नहीं निकाली गई है तो इसे अभ्यर्थी भी नहीं कर सके हैं। इसलिए दिव्यांग अभ्यर्थियों से 15 दिन के अंदर फिर से नोटिफाई करके आवेदन मांगे जाए, जिस पर सरकार ने फेडरेशन की मांग पर असहमति जताई है।
सहायक अभियोजन पदाधिकारी भर्ती मुख्य परीक्षा के लिए आवेदन की बढ़ी तारीख। बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से सहायक अभियोजन पदाधिकारी मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा के लिए 553 पदों के लिए आवेदन की अंतिम तारीख को बढ़ा दिया गया है, जिसके बाद अब इच्छुक और योग्य उम्मीदवार 14 जून 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही स्पीड पोस्ट के जरिए 21 जून तक आवेदन bpsc.bih.nic.in या फिर ऑनलाइन bpsc.bihar.gov.in पर जाकर कर सकते हैं। आपको बता दें, इससे पहले आवेदन की अंतिम तारीख 4 जून 2021 तय की गई थी। आपको यह भी बता दें कि इस भर्ती के लिए 4 फरवरी को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। प्रारंभिक परीक्षा में कुल मिलाकर 19,201 उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था। डगमारा पनबिजली परियोजना को कैबिनेट की अगली बैठक में मिल सकती है मंजूरी। डगमारा पनबिजली परियोजना का रास्ता साफ होता नजर आ रहा है। जानकारों की माने तो राज्य कैबिनेट की अगली बैठक में 130 मेगावाट की बहुउद्देशीय पनबिजली परियोजना को मंजूरी मिल सकती है। ऊर्जा विभाग के प्रस्ताव को तैयार करने में जुटा हुआ है। इस परियोजना को केंद्र सरकार से सैद्धांतिक मंजूरी पहले ही मिल चुकी है। कुछ दिनों पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस परियोजना के प्रेजेंटेशन और विशेषज्ञ द्वारा बनाए गए डिजाइन को देखकर संतोष जताया था, जिसके बाद ही केंद्रीय मंत्री ने योजना को लेकर NHPC से आगे की कार्रवाई करने को कहा था। आपकी जानकारी के लिए आपको बता दें, डगमारा परियोजना साल 2006-07 से ही विभिन्न स्तर पर अटकी पड़ी है। कीटनाशक जैव उत्पाद नमूनों की जांच अब होगी बिहार में। बिहार में ही कीटनाशी जैव उत्पाद नमूनों की जांच करने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर कृषि विभाग प्रयोगशाला स्थापित करने में जुटा हुआ है। कृषि मंत्री अमरेंद्र प्रताप सिंह ने इसको लेकर कृषि सचिव को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। खबरों की माने तो सरकार की इस योजना में कृषि विश्वविद्यालय से भी मदद ली जाएगी। वर्तमान समय की बात करें तो कीटनाशी और जैव उत्पाद के नमूनों के विश्लेषण के लिए हैदराबाद भेजा जाता है, लेकिन बिहार में इसकी स्थापना होने के बाद इसे बाहर भेजने की जरूरत नहीं होगी। दीक्षा पोर्टल से जुड़ेंगे बिहार के सरकारी स्कूल के 4.25 लाख शिक्षक। सरकारी स्कूल के लगभग 4.25 लाख शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल से जोड़ने की तैयारी हो रही है। मिली जानकारी के अनुसार बिहार के सरकारी स्कूल में ऑनलाइन टूल्स का इस्तेमाल कर पठन पाठन व्यवस्था को बेहतर बनाने की कोशिश जारी है। इसी कड़ी में बच्चों को ऑनलाइन लर्निंग ऐप से जोड़ने के साथ ही शिक्षकों को भी बेहतर बनाने की कोशिश हो रही है। यही कारण है कि बिहार सरकार शिक्षकों को दीक्षा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से ई लर्निंग का प्रशिक्षण देकर पठन पाठन के लिए तैयार करने को प्राथमिकता दे रही है। इस बाबत प्राथमिक शिक्षा निदेशक डॉक्टर रंजीत कुमार ने प्रारंभिक विश्वविद्यालय के शिक्षकों, प्रधानाध्यापकों, विद्यालय शिक्षा समिति और प्रखंड शिक्षा अधिकारियों को यूट्यूब के माध्यम से ई लर्निंग के बारे में जानकारी दी। उसके बाद 5 जून से प्रारंभिक शिक्षकों का दीक्षा पोर्टल से प्रशिक्षण शुरू हो जाएगा। बिहार से 10 समर स्पेशल ट्रेन के बढ़ाए गए फेरे। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, बिहार से 10 समर स्पेशल ट्रेन के फेरे में बढ़ोतरी कर दी गई है, जिसके तहत गाड़ी संख्या 01362 4 और 11 जून को, गाड़ी संख्या 01361 3 और 10 जून को, गाड़ी संख्या 01331 11 और 14 जून को, गाड़ी संख्या 01332 5 8 12 और 15 जून को, गाड़ी संख्या 01333 3 10 जून को, गाड़ी संख्या 01334 5 और 12 जून को, गाड़ी संख्या 01335 6 और 13 जून को, गाड़ी संख्या 01336 8 और 15 जून को, गाड़ी संख्या 01363 1 और 8 जून को और 15 जून को और गाड़ी संख्या 01364 3 10 और 17 जून को चलाई जाएगी। आज बिहारी पहचान में हम बात करेंगे HC वर्मा की। हरीश चंद्र वर्मा का जन्म 3 अप्रैल 1952 को बिहार के दरभंगा जिले में हुआ था। हरीश चंद्र वर्मा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कानपुर में कार्यरत एक भौतिक विज्ञानी एवं प्राध्यापक है। इसके पूर्व उन्होंने पटना के विज्ञान महाविद्यालय में अध्ययन किया है। उनके कार्य का क्षेत्र नाभिकीय भौतिक है। उन्होंने अनेक पुस्तकों की रचना की है, जिनमें कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स अत्यंत लोकप्रिय है। उन्हें 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। पिता एक शिक्षक थे। बचपन में वो पढ़ने में तेज नहीं थे। उनके पिताजी शिक्षक थे। में गणित और विज्ञान की शिक्षा उनके पिताजी ने ही दी थी। स्कूल के दिनों में इन्हें विज्ञान और गणित में ज्यादा रुचि नहीं थी। अपनी पुस्तकों में इन्होंने अपने माता पिता और भारतीय संस्कृति को अपने जीवन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण बताया है। साइकिल गर्ल ज्योति के पिता ने दुनिया को कहा अलविदा। साइकिल गर्ल ज्योति आज किसी भी परिचय की मोहताज नहीं है। वहीं ये वो लड़की है जो पिछले साल के लॉकडाउन के दौरान अपने पिता को गुरुग्राम से लेकर बिहार तक साइकिल पर आई थी। हालांकि अब ज्योति के पिता ने दुनिया को अलविदा कह दिया है। खबरों की माने तो ज्योति के पिता मोहन पासवान लंबे समय से बीमार थे और बीते दिन हार्ट अटैक के कारण उन्होंने आखिरी सांस ली। इस घटना के बाद ज्योति काफी सदमे में है। वहीं इस घटना की खबर मिलते ही ग्रामीण इस दुख की घड़ी में ज्योति को संतावना देने भी पहुंचे। इसकी जानकारी गोपाल जी ठाकुर ने ट्वीट करके साझा की।
बिहार में सभी एफिलिएटेड कॉलेज बनेंगे ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट। बिहार में सभी एफिलिएटेड कॉलेज को ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूट बनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके तहत अगले 15 साल तक किसी भी नए कॉलेज को एफिलिएशन नहीं दी जाएगी। इतना ही नहीं, पुराने कॉलेज के एफिलिएशन का नवीनीकरण भी किया जाएगा। इसको लेकर शिक्षा विभाग ने अपना फैसला जारी कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार नई शिक्षा नीति के तहत विश्वविद्यालयों को एप्लीकेशन देने का अधिकार खत्म कर दिया गया है और नई शिक्षा नीति के तहत प्रत्येक संबद्धता प्राप्त कॉलेज स्वायत्त संस्थान के रूप में काम करेगा, जिसके तहत अगले कुछ सालों में समूचे एफिलिएशन प्राप्त कॉलेज संबद्धता होकर पूरी तरह से स्वायत्त हो जाएंगे। एफिलिएशन की अनिवार्यता खत्म होने से निजी कॉलेज को अपनी जरूरत के हिसाब से निर्णय लेने की छूट मिलेगी। बिहार आपदा विभाग को सौंपा गया 200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर। बीते दिन बिहार आपदा विभाग को 200 ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर सौंपा गया, जिसको उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने स्वास्थ्य विभाग को सौंपा है। मिली जानकारी के अनुसार कोविड-19 की इस दूसरी लहर में राज्य सरकार को JSW ग्रुप की तरफ से यह ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर संक्रमितों के इलाज के लिए भेजे गए हैं। ऑक्सीजन कंसेंट्रेटर कोविड-19 के मॉडरेट श्रेणी के मरीजों के लिए बहुत लाभदायक होंगे। आपको बता दें, JSW ग्रुप OP जिंदल ग्रुप का हिस्सा है। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान राष्ट्रीय संस्थानों के होंगे बराबर। बिहार के अब सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज और 44 पॉलिटेक्निक संस्थान को अपग्रेड करने की तैयारी हो रही है, जिसके तहत आने वाले समय में जल्द ही बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थान राष्ट्रीय संस्थानों के टक्कर देते नजर आएंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग में सभी तकनीकी संस्थान को सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाने की कार्य योजना तैयार की गई है। इसमें इम्प्रूव टेक्नोलॉजी को लेकर एक टीम तैयार करने का प्रस्ताव है। टेक्नोलॉजी सेक्टर की नामचीन कंपनियों के विशेषज्ञ की टीम बनेगी, जो नॉलेज अपग्रेडेशन से अवगत कराएगी और आवश्यक सुझाव भी देगी। इसमें शिक्षकों को नर्ड टेक्नोलॉजी से अपडेट रखने के लिए प्रशिक्षण कार्य भी शामिल किया गया है। तकनीकी शिक्षा में रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण के जरिए युवाओं के प्लेसमेंट को प्राथमिकता दी जाएगी। DMCH में 3 दिनों के अंदर 4 बच्चों की गई जान। रविवार की शाम DMCH में इलाज के क्रम में 2.5 साल के बच्चे की मौत कोविड-19 के कारण हो गई। वो पोस्ट मेनिनजाइटिस हाइड्रोकेफेलस से ग्रसित था। वो वहीं दरभंगा के DMCH अस्पताल में शिशु रोग विशेषज्ञ में इलाज के क्रम में एक ही परिवार के 3 बच्चों की जान भी चली गई है, जिसके तहत पूरा परिवार सदमे में है। खबरों की माने तो मधुबनी जिले के इटरवा गांव निवासी राम पुनीत यादव 28 मई की शाम अपने 3 बच्चों के इलाज के लिए DMCH के शिशु रोग विभाग में भर्ती करवाने पहुंचे थे और 2 दिनों के अंदर 3 बच्चों ने बारी से दम तोड़ दिया। चिकित्सकों की माने तो 3 बच्चों की जान खून की कमी और निमोनिया के कारण गई है। वहीं बच्चे को गुजर जाने पर परिजन ने अस्पताल पर आरोप लगाते हुए कहा है कि अगर सही तरीके से बच्चों का इलाज किया जाता तो उनके बच्चे आज जिंदा होते। हालांकि दरभंगा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के एन मिश्रा ने कहा है कि डॉक्टरों की टीम ने बच्चों को बचाने की पूरी कोशिश की है। जानिए बिहार में कब दस्तक देगा मॉनसून। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो बिहार में मॉनसून जून महीने के 2रे या 3रे हफ्ते में एंट्री दे सकता है। फिलहाल पूर्व अनुमान के अनुसार 13 जून को बिहार पूर्णिया में मॉनसून एंटर कर सकता है। बता दें, पिछले 2-3 वर्षों में सामान्य तौर पर मॉनसून बिहार में 10 से 12 जून के आसपास एंटर करता है। पिछले साल मॉनसून ने बिहार में 13 जून को दस्तक दी थी। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो चक्रवाती तूफान यास के प्रभाव से बिहार में मॉनसून पर किसी प्रकार का कोई असर नहीं पड़ेगा। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार बिहार में मॉनसून अपने तय समय पर ही पहुंचेगा। वैसे देश भर में पहले केरल में मॉनसून की एंट्री होगी। कहा जा रहा है कि 3 जून को दक्षिण भारत के इसी राज्य में मॉनसून दस्तक दे सकता है। टीका एक्सप्रेस को रफ्तार देने के लिए बनी नई योजना। बिहार में धीमी पड़ी टीका एक्सप्रेस को अब रफ्तार देने के लिए बिहार सरकार ने नई योजना बनाई है, जिसके तहत गांव में टीकाकरण के प्रति लोगों को जागरूक करने और टीका एक्सप्रेस चलाने की सरकार की मंशा को अंजाम तक पहुंचाने को प्रचार प्रसार पर ज्यादा जोर दिया जाएगा। कई जिलों में इसकी रूपरेखा भी बना ली गई है। इसी काम में आशा कार्यकर्ताओं के साथ ही जीविका दीदियों की भी मदद ली जाएगी। गांव में पर्चे भी बांटे जाएंगे। टीका एक्सप्रेस के गांव में पहुंचने से 1 दिन पहले ही आशा और जीविका दीदियां गांव में लोगों को जानकारी देने के साथ ही जागरूक भी करेंगी। जानकारों की माने तो लोगों में जागरूकता का काफी अभाव है। यूं तो टीका एक्सप्रेस बनाए गए वाहनों में साउंड सिस्टम लगाने के साथ ही उन्हें प्रचार वाहन की तरह तैयार किया गया, मगर लोगों में जागरूकता का काफी अभाव अभी भी देखने को मिलता है। लॉकडाउन में पटना में ये दुकानें रहेंगी बंद और ये रहेंगी खुली। बीते दिन क्राइसिस मैनेजमेंट के साथ हुई बैठक में 8 जून तक कुछ रियायतों के साथ लॉकडाउन का फैसला जारी किया गया है, जिसके तहत लॉकडाउन 4 में पटना में क्या बंद रहेगा और क्या खुला रहेगा, इस बात की जानकारी भी डीएम चंद्रशेखर सिंह ने दी है। 2 जून से सभी प्रकार के दुकानें खुलेंगी। ऑल्टरनेट डे पर दुकान को खोला जाएगा। एक प्रकार की दुकान 1 दिन खुलेगी, दूसरे प्रकार की दुकान 2रे दिन खुलेगी। 1 दिन बीच करके दुकानें खोली जाएंगी। सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक दुकानों को खोला जाएगा। इसके साथ ही गाड़ियों के परिचालन पर पाबंदी पूर्व की तरह ही जारी रहेगी। बिना पास निजी वाहनों का परिचालन नहीं होगा। ई पास लेना होगा। दुकान और ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। गाइडलाइन का पालन नहीं करने वाले दुकानदारों पर कार्रवाई होगी। स्कूल कॉलेज सभी प्रकार के शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। प्राइवेट कार्यालय भी बंद रहेंगे।
25% कर्मचारियों के साथ सरकारी कार्यालय खुलेंगे। शाम 4 बजे तक जिम, पार्क, सिनेमा हॉल, शॉपिंग मॉल, धार्मिक स्थल, सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। धार्मिक स्थल आम लोगों के लिए बंद रहेंगे। सार्वजनिक स्थलों पर होने वाले कार्यक्रम पर पाबंदी पूरी तरह से पहले की तरह रहेगी। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का राष्ट्रीय एवं बिहार राज्य स्तरीय संगठन का हुआ गठन। विगत दिनों में भौतिक चिकित्सा के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी का गठन किया गया। ग्लोबल एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी एक पंजीकृत संगठन है जिसका उद्देश्य यूनाइटेड नेशंस के मानकों पर चलकर उनके उद्देश्यों को स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूर्ण करना है। इस संगठन के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में मैंगलोर के प्रतिष्ठित भौतिक चिकित्सक प्रोफेसर उमाशंकर मोहंती को मनोनीत किया गया है। राष्ट्रीय स्तर पर एम्स दिल्ली के भौतिक चिकित्सक डॉक्टर प्रभात रंजन को राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉक्टर नवनीत कृष्ण को राष्ट्रीय सचिव, पूजा तिवारी को उपाध्यक्ष, पंजाब के वरिष्ठ भौतिक चिकित्सक डॉक्टर फतेह मान सिंह को संयुक्त सचिव मनोनीत किया गया है। बिहार राज्य स्तर पर डॉक्टर मृत्युंजय कुमार अध्यक्ष, डॉक्टर सुजीत कुमार को सचिव, फहद नसीम को उपाध्यक्ष, डॉक्टर नवनीत शांडिल्य, डॉक्टर सीमा कुमारी, डॉक्टर देवव्रत आदि को मनोनीत किया गया है। श्रवण कुमार ने जीविका दीदियों की तरफ से बनाए गए मास्क की बताई संख्या। ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने बीते दिन जीविका दीदियों की तरफ से बनाए गए मास्क की जानकारी दी है, जिसके तहत उन्होंने बताया कि राज्य में अब तक 5,60,00,000 से अधिक मास्क का निर्माण विभिन्न केंद्रों पर किया जा चुका है। बिहार सरकार पंचायती राज विभाग के माध्यम से मास्क का वितरण करवा रही है। आपूर्ति की जिम्मेदारी जीविका दीदियों को दी गई है। बिहार के 38 जिलों के 999 मास्क का उत्पादन केंद्रों पर 30,379 जीविका दीदियों द्वारा काम किया गया है। उन्होंने बताया कि मास्क निर्माण में हर जीविका दीदी को प्रत्येक दिन औसतन 200 रुपए की आमदनी होती है। पटना में जाप कार्यकर्ताओं ने निकाला मौन मार्च। बीते दिन राजधानी पटना में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने मौन मार्च निकाला, जिसके तहत कार्यकर्ताओं ने पप्पू यादव की रिहाई की मांग की। जन अधिकार पार्टी की तरफ से राजधानी के इनकम टैक्स कोलंबर पर यह मार्च निकाला गया था। इस दौरान जाप नेताओं ने सारण के सांसद राजीव प्रताप रूडी को गिरफ्तार और पप्पू यादव को रिहा करने की मांग की है। नेताओं ने कहा कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी के बाद से ही हम लोग यह मांग कर रहे हैं कि इसके बावजूद आज तक कुछ नहीं हुआ है। क्या हुक्मरानों तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही? उन्होंने बताया कि हम मुख्यमंत्री से कहकर थक चुके हैं, इसलिए अब मौन रहना ही मुनासिब है। भारत के इतिहास में आज की तारीख कई कारणों से दर्ज। 1835 में आज के दिन कलकत्ता मेडिकल कॉलेज में अध्यापन कार्य शुरू हुआ। 1874 में ईस्ट इंडिया कंपनी को भंग कर दिया गया था। 1930 में भारत को पहली डिलक्स ट्रेन डेक्कन क्वीन बॉम्बे वीटी से पुणे के बीच चली थी। 1992 में भारत एवं इसराइल के बीच हवाई समझौता हुआ। 1996 में एचडी देवेगौड़ा भारत के 11वें प्रधानमंत्री बने। 1929 में भारतीय फिल्म अभिनेत्री नरगिस का जन्म हुआ। 1996 में भारत के 6वें राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी का निधन हुआ। पूर्व चयनकर्ता ने भारतीय टीम का संतुलन बिगड़ने की कही बात। भारतीय टीम फिलहाल अपने शानदार फॉर्म में नजर आ रही है। यही कारण है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप में फाइनल में जगह बनाने में भारतीय टीम कामयाब हुई है, जिसके बाद फाइनल में भारतीय टीम का मुकाबला न्यूजीलैंड से होने वाला है। हालांकि इस मुकाबले से पहले भारतीय टीम के पूर्व स्पिनर और चयनकर्ता वेंकटपति राजू का कहना है कि भारत को एक खिलाड़ी की कमी खल सकती है, जिसके तहत उन्होंने हार्दिक पांड्या की कमी पर जोर दिया है। उन्होंने कहा कि हार्दिक को टीम में नहीं चुना गया। टीम के पास हालांकि कई अच्छे खिलाड़ी हैं और राउंडर के तौर पर भारत के पास रविंद्र जडेजा जैसा खिलाड़ी है जो बल्ले और गेंद से कमाल करता है, लेकिन तेज गेंदबाजी ऑलराउंडर टीम में संतुलन लाता है, जिसकी जरूरत भारत को WTC फाइनल में पड़ेगी। 5G को भारत में लागू करने के लिए जूही चावला ने दर्ज करवाई प्राथमिकी। रेडियो फ्रीक्वेंसी विकिरण के हानिकारक प्रभाव पर सक्रिय रूप से जागरूकता पैदा करने वाली बॉलीवुड अभिनेत्री जूही चावला ने भारत में 5G मोबाइल प्रौद्योगिकी के कार्यान्वयन के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। अभिनेत्री ने कहा कि 5G तकनीक लोगों और जानवरों को RF विकिरण के संपर्क में लाती है, जो आज की तुलना में 10 से 100 गुना अधिक है। न्यायमूर्ति सी हरिशंकर की खंडपीठ ने बीते दिन मामले की सुनवाई से इनकार करते हुए इसे दिल्ली उच्च न्यायालय की दूसरी पीठ को स्थानांतरित कर दिया। अब इस मामले की सुनवाई 2 जून को होगी। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है प्रभात कुमार, रंजन कुमार, प्रहलाद जोशी, मोहम्मद रिजवान, पूजा कुमारी, अभिलाषा सिंह, दीपक जोशी, आलोक कुमार, प्रणव कुमार, धनंजय कुमार, शंकर मुखिया, रीना पासवान, रवि कुमार, ईशान सिंह। इसके अलावा हमारी टीम को और भी लोगों के जवाब अच्छे लगे हैं, मगर समय के अभाव के कारण हम उनका नाम नहीं ले पाए, लेकिन आप हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हम कल आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है। आपके अनुसार कोरोना के वर्तमान हालात को देखते हुए बिहार सरकार की तरफ से लॉकडाउन में दी गई छूट कोरोना के मामलों में आ रही कमी को नियंत्रित रख पाएगी या नहीं? अपने जवाब हमें कॉमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। बिहार की बड़ी खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।